अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक रानीस किचन। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हो आप लोग खुश रहे, आबाद रहे। आज एक नाश्ता बनाएंगे जो जल्दी बन जाएंगे, झटपट बनाने वाला नाश्ता। तो पहले मैंने गुड़ ले लिया, इसको पहले हम इस तरह काट लेंगे। मुझे एक कप चाहिए तो इसके लिए मैं काट लेती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर एक कप गुड़ ले लिया, अब इसको एक कप पानी में भिगो देंगे। कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। मैंने भिगोया इसीलिए कि ये जल्दी मेल्ट हो जाए, तो थोड़े देर इसको मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पर मैंने वही कटोरी ले लिया जो गुड़ भिगोया था, तो मैं इस गुड़ को सान लेती हूँ। बहुत ही कचरा रहता है ना कभी कभी गुड़ में, ये देखिए कितना कचरा है, दिख रहा है ना। तो मैं इसको अच्छा से सान लेती हूँ। मैंने यहाँ पर गुड़ को सान लिया। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी डाला और चावल का पाउडर चाहिए, थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा नमक। तो कैसे बनाते हैं पहले शुरू करते हैं। मैंने इस तरह के एक बर्तन ले लिया, अब इसमें ये बैटर डाल देंगे गुड़ का। अब इसमें हम धीरे धीरे ये चावल का पाउडर डालेंगे, जितना चाहिए हम उतना लेंगे, कम ज़्यादा हो सकता है। तो एक कटोरी चावल के लिए, पाउडर के लिए मैंने 1 कप मैदा डाला। अच्छा से मिलाएंगे। अगर ठीक लगे थोड़ा सा हम पानी मिला सकते हैं, आप लोग दूध भी डाल सकते हो। तो मैं पानी से बनाऊंगी, दूध नहीं डालूंगी। अच्छा से इसको गोल लगा लेती हूँ, एकदम स्मूथ बैटर जो है वो बनना चाहिए। मुझे और थोड़ा सा चावल का पाउडर चाहिए इसमें, तो अच्छा से इसको बैटर बना लूँ। मेरा बैटर इस तरह की हुआ है, ऐसा ही चाहिए हमें बैटर। हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मिठास में थोड़ा नमक होना चाहिए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। थोड़ा सा हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही है, तो अच्छा से मिला लेंगे। मेरा बैटर रेडी हो गया, इस तरह की होना चाहिए। अगर चम्मच में देखेंगे तो ये देखिए, बहुत देर के बाद ऐसे देने से ये तुरंत ही बंद नहीं होता है, बहुत देर लगता है। तो इस तरह की बैटर होना चाहिए। ये बैटर हम 2-3 घंटे के लिए रख देंगे, आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकती हो। मेरा बैटर तो बन गया, अब इसको हम 2 घंटा या 1 घंटा के लिए रख देंगे। तो आप लोग ओवरनाइट भी रख सकती हो, 2-3 घंटा तो रखना ही चाहिए, तब भी ये जाके अच्छा होंगे पीठा। तो इसको कैसे स्टोर करके रखना है, आप ऐसे बैटर बना के फ्रिज में रख सकती हो। आजकल तो सर्दियों का मौसम है, हम ऐसे ही रख सकते हैं। तो अगर नॉर्मल फ्रिज में भी रख सकते हो, तो 4-5 दिन ऐसे बैटर बना के आप लोग पीठा बना के खा सकते हो। तो पीठा कैसे स्टोर करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। तो इसको अब हम ढक के रख देंगे। मैंने 2-2.5 घंटे के बाद मेरा बैटर को देखने है, तो पूरा परफेक्ट बन के रेडी है, ये देखिए। इसमें अभी पानी की ज़रूरत नहीं है, अगर ठीक हो जाता तो थोड़ा सा मैं पानी डाल देती। चलिए अभी गैस की ओर, मैं कढ़ाई रख दिया, थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया। अब और थोड़ा सा ऑयल हमने डाल दिया, इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल मेरा गर्म हो रहा है, तब तक मैं आप लोगों को विनती करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, आपका सहायता की ज़रूरत है मेरे को। तो मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, मेरा गर्म हो गया, ये ज़्यादा हॉट नहीं करना है, मीडियम आंच पे रखना है। तो एक मैंने डाल दिया, नहीं पलटाएंगे, ये अपने आप ऊपर आएंगे। ये देखिए कैसे अपने आप ऊपर आ गया, अब इसको पलटाएंगे।
एक डेढ़ मिनट करके ऊपर नीचे हम सेक लेंगे इसे, इसको हम निकाल देंगे। एक हम डाल दिया, गैस को मीडियम टू लो, लो टू मीडियम पे रखना है। ये देखिए अपने आप आ रहा है कुछ ही सेकंड में, तो इसी तरह हम रख देंगे। ऊपर जब तलेंगे तब हम इसको पलटाएंगे। अब इसको हम पलटाएंगे, भी हम निकाल देंगे। और एक दिखाते हैं, ही पलटाएंगे ऊपर अपने आप आएंगे तब हम पलटाएंगे इसको। देखो कैसे ऊपर आ रहा है, कैसे फूल रहा है, कुछ ही सेकंड में ये ऊपर आ जाता है। ध्यान रखें गैस को तेज ना करें, मीडियम टू लो, लो टू मीडियम पर ही इसको रखना है। दो से ढाई मिनट में ये पक के एकदम आराम से हो जाएगा, अंदर से भी पकना चाहिए ना। ये भी हमारा हो गया, इसको भी हम निकाल देते हैं। और एक दिखाते हैं, नहीं पलटाएंगे ये अपने आप ऊपर आएंगे। मीडियम टू लो पे है मेरा गैस, तब तक फिर से याद दिला दो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये देखिए मेरा पीठा कैसे फूल रहा है, मालपुआ बोलते हैं कोई कोई, हम लोग तेल पीठा बोलते हैं इसको। और थोड़ी देर नीचे से अच्छा से लाल लाल करके हम इसको फ्राई करेंगे। तेल पीठा तो लाल लाल ही होता है ना। अब इसको हम पलटाएंगे, इसको भी नीचे से अच्छा से होने देंगे। और एक मेरा बन गया, तो इसी तरह मैं पूरा बना लेती हूँ ये पीठा। लीजिए मेरा पीठा बनके रेडी हो गया, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। हम लोग हमेशा सर्दियों में बनाते रहते हैं। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट हुआ है, कितना यम्मी। तो इसको स्टोर ऐसे करना है, इसे पीठा बना के आप लोग फ्रीज में रख सकते हो, नॉर्मल फ्रीज में 5-6 दिन रख सकती हो। फिर जब खाओगे तब स्टीम करके खाना, ऐसे ही स्वाद मिलेगा जैसे अभी बनाया फ्रेश फ्रेश, ऐसे ही स्वाद मिलेगा। तो कैसा लगा मेरा रेसिपी, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। दुआओं में याद रखना, फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।